वाले भैया बता रहे थे दुकान वाले, बट उनके हिसाब से अगर आधा घंटा है तो समझ लो मेरे लिए 45 मिनट्स। और आप लोग जो अभी तक घर पे बैठे हैं और फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं किए हैं उनके लिए 1 आवर, क्योंकि मैं अभी जस्ट कल ही आया हूँ वापस। 16 जाना, 16 किलोमीटर आना, टोटल 32 किलोमीटर्स का ट्रैक किया है मैंने माउंटेन पे अभी ब्रिगू लेक के लिए। सो बॉडी इज़ वार्म्ड अप। एक चीज़ और, अगर आप चल रहे हैं ना, ट्रैक कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप बार बार बैठे नहीं। अगर आप बैठते हैं तो आप और भी ज़्यादा थकेंगे। अगर आपको थकावट लग रही है तो आप ब्रेक ले लो, वहीं रुक जाओ, बैठो ना। बैठने के बाद वापस चालू करने के लिए फिर से ज़्यादा एनर्जी लगती है और फिर से जल्दी आप जल्दी थकोगे। ग्रहण का यही है ना रास्ता, स्ट्रेट। हेलो, हाय। यहाँ के लोकल से बहुत क्यूट था बच्चा। ये रिसेंट लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पर, लगभग 1 हफ्ता पहले या 10 दिन। अभी भी इसमें हल्के हल्के पत्थर को गिरते हुए देखा जा सकता है, कुछ कुछ गिर रहे हैं अभी भी। अभी तक ये स्टेबल नहीं हुआ है। लोकल्स ये यहाँ पर ऐसे ही सामान कैरी करके लेके जाते हैं। अभी रास्ते में और एक भाई हमको मिले, गैस सिलेंडर को लेके जा रहे थे, आ रहे हैं मतलब लेके ऊपर। बहुत ही मेहनत है यार। इनमें से कुछ पढ़ने वाले भी हैं और साथ साथ में काम भी करते हैं। ज़्यादा एज नहीं है लोगों की, अराउंड 18 से 20 के बीच के। अब थोड़ी सी ठंडी बढ़ते जा रही है, हल्का हल्का फ्रीजिंग सा लग रहा है, बट बॉडी वार्म अप है तो उतना समझ में नहीं आ रहा है। चालू हो गई है ब्रो, निकलना पड़ेगा। हल्की हल्की जो बारिश चालू हो गई है वो है। क्यों 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 हो रही है बारिश? रुक जा भाई, थोड़ा सा और रुक जा। देखो लोग सामान कैरी करके भी इतना आगे जा रहे हैं। इससे यार आई थिंक वी हैव रीच्ड ग्रहण विलेज। एक घर छोटा सा वहाँ दिख रहा है मेरे को। क्या है आपका नाम? नाम नहीं आपका? फूल आपका नाम है? बहुत प्यारा नाम है। स्कूल है यहाँ पर? है ऊपर में स्कूल? दो है। अच्छा, आप जा रहे हो स्कूल? छुट्टी? अच्छा, बढ़िया। वाह, आई एम लविंग दिस यार। एंड यहाँ के लोग भी बहुत स्वीट है। वो बच्ची कितनी प्यारी थी। ये यहाँ के घर है, लकड़ी के बने हुए। वाओ नाइस। टोटल रॉ है ब्रो। हाँ, look at the beautiness. ये नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लगता है बन रहा है अभी। इस वाले कॉटेज को देखो, ये कितना पुराना है। एंड दिस वन, वाओ। दिस इज ब्यूटीफुल यार। ओह, एयरटेल का डिश एंटीना अवेलेबल हियर। नाइस। सो इतने ऊपर भी we have something to get entertainment. Nice. Wow. Look at this. This house is something different. Wow. क्या खा रहे हो आप? आइसक्रीम? नाइस. वन. थैंक यू. भाई ने मेरे को आइसक्रीम दी है. थैंक यू ब्रो. बोला था ना यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं. एक छोटा सा बच्चा था, लगभग 13-14 साल का. यह आइसक्रीम देखी क्या मेरे को. नाइस नाइस पीपल. हाँ चलो देखते हैं हमारा स्टे किधर पर है. शाम का समय हो गया इसलिए अंधेरा कुछ ज़्यादा है, तो क्लियर अभी मैं नहीं आ रहा हूँगा. इस साइड से अपोजिट टू लाइट हो जा रहा है. चेहरे की हालत देखो, टी शर्ट एक बार गीली होके सूख चुकी है. कोई नहीं, पहुंच गए हैं, ये अच्छी बात है. और बारिश हल्की हल्की थी, एकदम ज़्यादा नहीं थी, सो ज़्यादा टेंशन नहीं हुआ. ये यहाँ का मंदिर है, अभी फ़िलहाल बंद है. यज्ञवाकल्य ऋषि मंदिर, वाल्मीकि ऋषि मंदिर का है ये. कृपया मंदिर में प्रवेश ना करें. वी कांट एंटर द टेम्पल. दूर से ही बस आप इसको देख सकते हैं. ब्रो दिस इज आपका घर है ये? नहीं, बहुत प्यारा है. दिस इज नाइस टेम्पल ब्रो. वाओ, लुक एट दिस. फुल रॉ विलेज ब्रो, फुल रॉ. देखो वहाँ उस घर के ऊपर से चिमनी लगी है. लेट्स गो. So this is our stay for today. Ghanshyam Palace. Sitting room, outdoor space too, and the location. Nice location bro. आई विश कल मौसम क्लियर रहे और हम कुछ सनराइज या सनसेट जैसा देख सके. आई थिंक दिस आर द ट्रैक डन बाय द ओनर ऑफ दिस प्लेस, घनश्याम भाई. Lots and lots of certificates. Government of Himachal Pradesh, Department of Tourism and Civil, North Face Adventure Tours, India Hikes, Nature and Lifesaver Associations, Course Completion Certificate from Gramin Labs. Nice. This is a map of पार्वती वैली. वाह, वेट वेट. सारुंगा पास, तोश, सारगी, बरसैनी, कालगा, तुलगा, पुलगा. वेर इज कसोल? वेट वेट, मणिकरण. ये मस्ट बी कसोल. दिस इज रसोल. दिस इज कसोल. from Kasol to Thunja, Thunja to Grahna. Nice. This is Katagla, जहाँ हम 2 साल पहले थे, Katagla, and after that Manikaran and Katagla somewhat here. Nice.